सुनिए सुनिए ओ राजकुमार। हे हेलो गाइज, व्हाट्स अप, आई एम दीपाली वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि ये है डे 6 का व्लॉग और आज है डे 6, इसीलिए मैं कर रही हूँ ये फेस मास्क का यूज़, बिकॉज आज है मेरा शूर्पनखा वाला रोल और मेरा जो स्किन का टेक्सचर है वो बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज्ड एंड ड्राइड हो चुका है। सो दैट्स वाई मुझे ये फेस पैक यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये है एम कैफेन कॉफ़ी फेस पैक एंड ये बहुत बहुत अच्छा फेस पैक है। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब भी मेरा फेस बहुत टायर्ड लगता है, बहुत ज़्यादा डैमेज लगता है, और तभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, आपको इसको जस्ट अप्लाई करना है लाइट फिंगर्स की हेल्प से एंड अपने आई एरिया को आपको छोड़ देना है, आइज़ पर नहीं लगाना है। इसके बाद अब मैं इसको 15 मिनट्स रखूँगी अपने फेस पर, उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको वॉश करके। ओके, तो अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड मैं नहा कर भी आ गई हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा क्लीन फेस नज़र आ रहा है मेरा एंड फ्रेश फ्रेश भी। सो हाँ, मैं बता दूँ आपको, मेरे पास टॉवल नहीं था, तो दैट्स वाई मैंने अपना जो मेरा नाइट सूट का टॉप था वो मैंने यूज़ किया था एज अ टॉवल। तो प्लीज़ ये मत सोचना कि मेरे पास टॉवल नहीं है, मेरे पास वाकई में ही टॉवल नहीं था। सो मैंने इसीलिए अपना ये टॉप यूज़ कर लिया था। अभी क्या है, अभी मैं ये जॉनसन्स बेबी का लोशन लगा रही हूँ और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जितना मेरा फेस क्लीन हो गया उसके बाद मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा विजिबल हो रखी हैं। सो इसीलिए मैं ये रेज़र यूज़ करूँगी अपने आईब्रोज को क्लीन करने के लिए, और देखना आप कैसे यूज़ करूँगी। सो गाइज, ये रेज़र यूज़ करना थोड़ा सा टफ हो सकता है बिकॉज इसमें कुछ कट्स आ जाते हैं स्किन पर, सो दैट्स वाई उन कट्स को इग्नोर करने के लिए आप इसका डीप ट्यूटोरियल देख सकते हैं एंड उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो गाइज, अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ ये जॉनसन्स बेबी लोशन एंड ये बहुत ज़्यादा फेवरेट लोशन है मेरा, सो दैट्स वाई मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे फेस पर, आईब्रोज पर, अपर लिप्स पर, क्योंकि रेज़र यूज़ करने के बाद स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, सो दैट्स वाई ऑलवेज़ यूज़ मॉइस्चराइज़र आफ्टर इट। सो गाइज, इट्स डे 6 और गले की बैंड बजी हुई है और फिलहाल आ गए हैं हम अपने रामलीला ग्राउंड में। मेरे हाथ में है ये मेरा प्यारा सा क्राउन जो कि कल गुरुजी ने बनाया था, कल ही मतलब ये रेडी हुआ है स्पेशली फॉर मी, गुरुजी ने बनाया, जिन्होंने मुझे एक्ट वगैरह सिखाया उन्होंने, बहुत अच्छे हैं, ही इज़ सो गुड इन नेचर। और मतलब स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे बालों में लगाने के लिए क्राउन या कुछ भी ऐसा, तो उन्होंने खुद से ही बनाया अपने हाथों से पूरा। बाकी आपने देखा ही होगा रोल में कैसा लग रहा था मेरे ऊपर, और अभी मेरी हालत में मत जाना। नहा के आई हूँ और लंच भी नहीं किया आज, तो मन नहीं था लंच करने का, और अभी आ गई हूँ बस इधर, क्योंकि मुझे मेरी ड्रेस भी कंफर्म नहीं है कि ड्रेस पहननी कौन सी है, और आवाज़ भी बैठी हुई है। जब रोल अच्छे से प्ले हो जाएगा ना, उसके बाद जान में जान आएगी। और अभी बने रहो हमारे साथ, मिलते रहेंगे हम बार बार, ठीक है? देखो आ गई मैं 3 बजे से पहले ही। गुरु जी कह रहे हैं मेरी पसंद की ज्वेलरी दे दो, अगर रोल अच्छा नहीं हुआ तो फिर अरे सब चीज़ इसकी पसंद की दो, पर रोल मेरे पसंद का होना चाहिए, बढ़िया सी दे दो आप जो आपको अच्छी लगे। पर सर मैं क्या कह रही थी, पहले ड्रेस मिलेगी तो देखेंगे गोल्डन है या रेड है ना, पहले ड्रेस मिलेगी तभी तो ज्वेलरी देखेंगे ना उसकी पसंद की, और वरना तो मैं फिर ऑप्शन निकाल ले रही हूँ। हाँ ये भी ठीक है, मगर ये शायद ना मेरी गर्दन पे फिट नहीं आएगा, देखो है ना। झुमका दिलाऊंगा, कंगना दिलाऊंगा, सब कुछ मिलाऊंगा तेरी कसम। अरे भैया बस एक ज्वेलरी सेट दिला दो, उसी में मेरे को झुमके भी फ्री मिल जाएंगे। प्लीज। तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा हो सची। देखो भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने का बिल्कुल मन नहीं था, सोचा आज थोड़ा पक जाऊँ, पका दूँ आपको भी। जी ने बोला कि इसको ना इसकी पसंद की ज्वेलरी दो, इसकी पसंद की सारी चीज़ें दो, रोल मेरी पसंद का होना चाहिए, रोल अच्छा होना चाहिए, बस फिंगर्स क्रॉस अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा ही हो। नर्वसनेस हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। कॉन्फिडेंस है?
बिल्कुल है बिल्कुल। बाकी देखते हैं, राम भरोसे, राम का नाम लेके चढ़ेंगे स्टेज पे, जो भी होगा देखा जाएगा। थोड़ा बहुत अगर भूल भी गए तो इम्प्रोवाइज कर लेंगे, वैसे भूलने का कोई चांस नहीं है। टिप्स पे डायलॉग रटे हुए, सोते जागते खाते जाते आते हर जगह डायलॉग ही डायलॉग दिमाग में रहते हैं। गले में खिचखिच, विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। भूख लग रही है, खाना खाने जाना है। ओहो ओहो, जब खाना मिल रहा था तब तो खाया नहीं, कहाँ से लाएंगे कुनाल खाना। थप्पड़ मारूंगी जब भी मुंह खोलेगा, गलत ही बोलेगा। मिल जाएगा, सही है। रुद्र तू मेरे लिए चाय नहीं लेके आया, मैंने कितने उससे कहा था ला दी। मैं माफी, मेरा गला खराब है, मैं माफी मांगना चाहूंगा तहे दिल से। अभी माफी का चार डाल लूं मैं? हाँ, अभी मैं माफी मांगना चाहूंगा तहे दिल से। पहले मैं एक बंदे के लिए चाय ला रहा था, अब मैं दो के ले लाऊंगा। नहीं रहने दे, पता है गला खराब है इसलिए। स्ट्रॉन्ग वाली, स्ट्रॉन्ग वाली अदरक की चाय मैं जरूर लेकर के आऊंगा, मेरा वादा है। पर अभी यहां से कल नहीं, मुझे अभी आज ही चाहिए, कभी कल लेके आए। देख सूर्प ने कहा कि आवाज निकालनी, आदमी की आवाज निकल रही है। इतना गलत है, स्ट्रॉन्ग अदरक और तुलसी दोनों वो डाल के जो बनाई थी ना, वो अच्छी थी। प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, प्रॉमिस ना। चल ठीक है, 10-15 मिनट में ठीक है, चल वेट करूंगी मैं। महाराज जी को नमस्ते, जय श्री राम। महाराज जी को कोई रोल प्ले करना हो तो बड़ी खुशी सी आ जाती है चेहरे पे, बड़े खुश होते। कल का गेटअप रात को 2 बजे तक भी नहीं उतारा था, बड़े खुश हो गए, कहते अब मुझे इसी गेटअप में रहना है। वो मोर पंख लगा के घूम रहे हैं सारे में। हम लोगों का क्या होता है, जैसे ही मतलब रोल कंप्लीट हो जाता है वैसे ही हम लोग ना अपना गेटअप चेंज कर लेते, सब रिमूव करके अपने कपड़े पहन लेते हैं। महाराज जी तो भाई कुनाल देखा तुमने, उन्होंने नहीं उतारे अपने मोर पंख। पता है गुरु जी क्या बोल रहे थे अंदर, गुरु जी ये बोल रहे थे कि इस लड़की को इसकी पसंद की ज्वेलरी दो, इसकी पसंद की ड्रेस दो, सारी चीजें इसकी पसंद की करो, रोल मेरी पसंद का होगा, अगर रोल अच्छा नहीं हुआ तो मैं फिर इसको इतना गंदे वाली डांट खिलाऊंगा, इतना गंदे वाली कि ये सह भी नहीं पाएगी, रो जाएगी। अब मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला मैं अच्छा करूंगी, और क्या बोल सकती, बाकी देखते हैं जो भी होता है। वाइब्स तो आ रही हैं अच्छी अच्छी वाली, अभी जाते हैं खाना खा लेते। बंदरू बंदरू है यहाँ पे, ओ न्यू बंदरू बंदरू पानी बो रहा ना वो, जो कोई कोई बंदरू, इतने सारे सारे बंदरू है यहाँ पे, बंदर ही रहते हैं इस लक्ष्मण किले में, बंदर ही रहते हैं और पंडित रहते हैं और हमारी टीम, बाकी अलग कोई बंदा नहीं रहता है यहाँ पे, एक भी इंसान नहीं रहता। हम लोग रहते हैं बस, सो हॉरिबल ना, क्या कर सकते। चलो खाना खाने जा रहे, बाय। मियाँ किचन में आ गए खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। टेस्टी टेस्टी पकवान हमारे लिए, हमारे लिए उधर के लिए चाय के साथ ही। अच्छा, चाय के साथ पकौड़े। यहाँ पे पहली बार आई हूँ मैं किचन में, तो हाँ वहीं पे खाते हैं। आज मेरा लंच छूट गया, भूख नहीं, अब तेज लगी है। अच्छा, जो किचन है, किचन तुम्हारा घर है, जहाँ भोजन बनता है वो तुम्हारा घर है, उसके बगल में। अच्छा, वैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, मुझे तो दिखते नहीं है, 4-5 ही दिखे अब तक। एक दो छम वाले बाबा दिखते हैं, और एक दो दिखते हैं। पानी चल रूम पे, वहीं जाके पी लूंगी। चल छोटे बंदरू, ये देखो 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 इनकी शरारत देखो, ये देखो कौन। दिक्कत कर रहा हाँ। इनको भी आता गुर्राना। ओ बंदरू बंदरू, ओ बंदरू, आ बंदरू, ना नहीं ले जाएंगे। ओ बंदरू देखियो, उधर जुए देख रहे हैं, इधर लड़ाई भागम दौड़ चल रही है। मैं छोटे वालों में ये नहीं काटते ना, हालत वाकई में बहुत डाउन लग रही है। अभी 4 बज गए हैं तो
अभी 4 बज गए हैं, 7 बजे से मेरा एक्ट स्टार्ट है। हालत बहुत डाउन लग रही है अभी से क्या, जब से मतलब यहाँ पे आई हूँ तो तभी से डाउन। बेदमती वाले दिन भी मेरा गला ख़राब था और आज भी गला ख़राब है। आज कुछ ज़्यादा है, उस दिन थोड़ा सा कम था, बस ये लग रहा है यार गला ठीक हो गया। क्या चाहिए, अरे मैं तो नजर नहीं आ रहा हूँ यार कैमरे में, कैसा कैमरा लगाया। अरे अरे हाँ अब दिखाऊं यार, आते हैं, इतना बढ़िया लग रहा हूँ मैं। चाय ठंडी मिल गई, ड्रेस बिल्कुल इसके मैचिंग की ड्रेस मिल गई है। तेरे किसका फोन है सर? आओ गुरु जी भैया, तो बहुत थैंक यू, आओ सर आ जाना। शाबाश सर, जो ब्राह्मण बनते हैं वो आए हैं अभी अभी रामलीला ग्राउंड में, अभी एंट्री करी है और मैं अपनी ड्रेस फाइनलाइजेशन के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ। आधे मेकअप में फ़ोटो भी नहीं खिंचा सकती, ना लिपस्टिक ना कुछ, और एक ये कॉन्टोर ये देखो ज़रा कितना ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक नज़र आ रहा है, और आईब्रोज तो सो डीप एंड डार्क। इट्स ओके, let's wait for the full makeup and then I'll be capturing all the moments in my phone. Just wait and watch and stay tuned. ड्रेस जो उनके हाथ में है वो देखी थी, बट वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है जो कि अच्छी नहीं लगेगी, और मेरे इस क्राउन पे मैच भी कर रही थी। ठीक है, कोई और ड्रेस देखनी पड़ेगी, आ जाऊँ? हाँ मैं आती हूँ, बदसूरत लग रही है। चला जाए यहाँ से दुर्दशा, हाँ इंगे को हो जा, जा। अपने डायलॉग कर ले दुर्दशा दुर्दशा। हेलो लक्ष्मण जी, हेलो, कैसे हो? जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हैं सब? सब अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा हूं। आज शुभनखा जी हमारी दीपाली परमार बनी है और आप सबको बहुत बहुत खुशी होगी ये जान के कि ये बहुत वंडरफुल एक्ट्रेस है। तो शुभनखा अपना दीपाली परमार बन रही है और आप सबको जान के बहुत खुशी होगी, बहुत ज़्यादा ही। और आप लोग बिल्कुल देखिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा, बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स कर देना। देखा, आपके डिमांड पर लक्ष्मण जी आ गए हमारे साथ। जय श्री राम। तुम सब पुरुष नमो सब नारी। लगता है ये तो मुझे खुद अपना नाम नहीं बताएंगे, तो क्यों ना सुनिए सुनिए ओ राजकुमार। यह संजोग विधि रचो बिचारी। जरा हेरो हमरी ओर,
पीछे चितवन वाले कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले जय श्री राम, और मुझे बहुत बहुत खुशी आई होती है आके। दिन मैंने वेदवती किया था, सबको वो भी अच्छा लगा था। आज शुभनखा किया, वो भी अच्छा लगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जय श्री राम। दोस्तों, आपसे मैंने बात नहीं करी थी, तैयार होते हुए भी नहीं करी थी, और मैं मिस कर रही थी आप सभी को। ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, पर मैं सोच रही थी यार एक बार ना एक्ट पे फोकस कर लेते, जब एक्ट अच्छे से हो जाएगा उसके बाद आप लोगों से ज़रूर बात करूँगी। पंखे की आवाज़ तो नहीं आ रही, तो वहाँ पे ना आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रखी थी फ़ैन की, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। हाँ, अभी बेटर है, आवाज़ भी नहीं है यहाँ पे ना। ऐसे ऐसे फैंस है, तो फैंस है मेरे, फैंस नहीं है पंखे हैं तो इसलिए यहाँ आना पड़ा, लोकेशन चेंज। तो मैं सोच रही थी कि पहले एक्ट अच्छे से हो जाए, उसके बाद ही आप लोगों से सबसे बात करूँगी। तो बात क्या करनी, सबसे पहले तो ये बताओ आपने मेरा एक्ट देखा? अगर देखा है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स में बता देना कि आपको वो कैसा लगा। मतलब स्टेज से उतरते कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, और नर्वसनेस नहीं हुई, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई था, और अच्छा लगा। ये एक्ट करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि इसके अंदर डांस भी था, एक्सप्रेशंस थे, गुस्सा था, प्यार था, रिझाने वाली चीज़ें थी, तो सारी ही चीज़ें ऑल इन वन पैकेट तो बहुत मज़ा आया ये रोल अदा करके सुंदरी शूभनखा का। और ये मेरी बिंदी देखो कितनी प्यारी है ना, तो रोल तो बहुत अच्छे से हो गया। अब मैं इसको सारे को चेंज करने जा रही हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आपने नोटिस किया होगा, ये मेरा प्यारा सा मुकुट है ना, इतना प्यारा मुकुट आपने वीडियो में देखा भी होगा। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना वीडियोस के, तो आपने देखा होगा कि ये मेरे गुरुजी ने बनाया अपने हाथों से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगता है बताना, मेरा गला वाकई ख़राब है, तो आवाज़ की मजाक मत बनाना, गला ख़राब है, इट्स नेचुरल, मेरे हाथ में नहीं है। बट फिर भी रोल अच्छे से हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और बीच में ना डांस करने के बाद ऐसे गला ना यहाँ से सूख गया था, मन कर रहा था पानी पी लूँ, आवाज़ नहीं निकल रही थी, बट फिर भी जय श्री राम बोल के शुरुआत करी और ख़त्म कर दिया पूरा मज़ा आ गया। जय श्री राम।